नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये कंपैरिजन की हमारी लास्ट वीडियो है। हमने सभी एप्लीकेशन का एक दूसरे एप्लीकेशन से कंपेयर करके आपको दिखा दिया कि कौन सा एप्लीकेशन आपके लिए बेटर है। ये है वीडियो लास्ट जिसमें हम कंपेयर करेंगे मीशो और ग्लोरोड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और फटाफट से मैं बताता चलता हूँ। अरे रुकिए, एक मिनट रुकिए। ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, जो बगल में घंटी सी दिख रही है उसको दबा दें। और सभी रीसेलिंग एप्लीकेशन, जो टॉप रीसेलिंग एप्लीकेशन है, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और 101 जिन्होंने डाउनलोड कर लिया है वो मेरा रेफर कोड डाल सकते हैं, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा रेफर कोड दिया है और आपको ये स्क्रीन पर चलता हुआ भी दिख रहा है। रेफर कोड डालते ही आपको 200 रुपये आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी डालिए और इस चीज़ का फ़ायदा आप जल्दी से जल्दी उठाइए। देखो, मीशो टॉप 2 पर चलता है ट्रेंड में, लेकिन अगर आप ग्लोरोड की बात करो तो ग्लोरोड 7th रैंकिंग पर चलता है, मतलब टॉप 10 के अंदर आते हैं दोनों एप्लीकेशन। अगर डाउनलोड की बात करें तो ग्लोरोड के डाउनलोड मिलते हैं आपको 1 मिलियन और मीशो के मिलेंगे आपको 5 मिलियन। तो बहुत बड़ा अंतर यहाँ पर देखने को मिल सकता है। रेटिंग की बात करें तो ग्लोरोड की रेटिंग है 4.6 की, और मीशो की रेटिंग देखेंगे तो हमें पता चलता है नीचे 4.5 की, मतलब 0.1 रेटिंग कम है। तो एक रेटिंग से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीशो को जो रिव्यू दिए गए हैं 47,000 रिव्यू दिए गए हैं, और अगर बात करेंगे ग्लोरोड की तो 53,000 रिव्यू इसको मिल चुके हैं। अब डाउनलोड भले ही ज़्यादा हो, लेकिन लोगों ने इंटरेस्ट ग्लोरोड में ज़्यादा दिखाया है। अब डिफरेंस की बात करने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, मीशो आया था 2017 में और ग्लोरोड आया था हमारा 2015 में, मतलब ग्लोरोड पुराना एप्लीकेशन है पर डाउनलोड बहुत ही कम है मीशो के मुकाबले। अब देखो, एक ग्लोरोड की अच्छी बात यह है कि ग्लोरोड आपको अपनी खुद की शॉप या ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने की सुविधा दे देता है, लेकिन मीशो नहीं देता। दूसरी चीज़, मीशो में आपको खुद जाके ऑर्डर लगाने पड़ते हैं, लेकिन अगर चाहो तो आप ग्लोरोड की शॉप का अपने का लिंक अपने कस्टमर को भेज सकते हो, अपना आपका कस्टमर अपने आप ऑर्डर लगा सकता है। तो ये एक अच्छी सर्विस मिलती है। प्रोडक्ट क्वालिटी की बात करें तो दोनों की प्रोडक्ट क्वालिटी एक ही है, एक जैसी है, क्योंकि सप्लायर एक ही है। वही सप्लायर मीशो पर सेल कर रहे हैं, वही सप्लायर ग्लोरोड पर सेल कर रहे हैं, तो वो सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। और अगर बात करें कि प्रोडक्ट की रिटर्न पॉलिसी, प्रोडक्ट का रिफंड और प्रोडक्ट के क्वालिटी और प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में, तो दोनों की प्राइस, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी, डिलीवरी टाइम सभी का सेम ही है और कोई अंतर नहीं है। अब बात करते हैं दोनों के रेफर एंड अर्न प्रोग्राम की। तो आपको पता होगा मीशो से जो रेफर एंड अर्न से जो आप कमाते हो वो आपके सीधे बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन अगर ग्लोरोड से कमाते हो तो ग्लोरोड का आपका जो पेमेंट होता है वो आपके वॉलेट में पहुंचता जाता है, जिसे आप शॉपिंग करके ले सकते हैं। तो ग्लोरोड की ये बात ख़राब है, क्योंकि देखो शॉपिंग में भी वो उस पैसे को जब यूज कर सकते हो, जब आप 1,000 रुपये की शॉपिंग कर रहे हो तो 250 रुपये आप यूज कर पाओगे, वो भी जब जब आप ऑनलाइन पेमेंट करोगे। अगर COD पर शॉपिंग करते हो तो ग्लोरोड में जो वॉलेट में आपका पैसा है रेफरेंस अर्न से कमाया है वो किसी काम का नहीं है। तो ये चीज़ उन्हें सुधारनी चाहिए। अगली चीज़ है कस्टमर सपोर्ट। देखो, ग्लोरोड में कोई कस्टमर सपोर्ट है नहीं, आपको कोई कस्टमर केयर नंबर मिलता नहीं है, लेकिन मीशो में आपको कस्टमर केयर नंबर मिल जाता है, आप फ़ोन कर सकते हो और बात कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों का सेम ही है। किसी में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो दूसरे में वो कमी है, और दूसरे में जो अच्छाइयाँ वो मीशो में कमी है, वो वूपलर में भी थोड़ी बहुत सही है। तो दोनों एक जैसे एप्लीकेशन हैं, कमियां सभी में होती हैं, इन्हें सुधारना चाहिए, बस इस चीज़ पे ये फोकस करें। तो ये था मेरा रिव्यू या मेरा सजेशन इन दोनों एप्लीकेशन को लिए। तो दोनों एक जैसे हैं जो मैंने फीचर बताए आपको, तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से डिसाइड कर सकते हैं। देखो, अगर आप चाहो तो 101, बुकलर, ग्लोरोड सभी जो अच्छे एप्लीकेशन हैं जिनके लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देता हूं, आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोरोड में और मीशो में दोनों में से बेटर एप्लीकेशन कौन सा है, आपने यूज़ किया है तो अपने हिसाब से एक आपको बात ज़रूर पता होगी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है। जो अच्छा हो वो आप कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए हमें। और आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारा वीडियो कोर्स लॉन्च हो गया है,
जिसका आर्टिकल मैंने लिख दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं। और बहुत कुछ आपको 250 वीडियो मिलने वाली हैं उस वीडियो कोर्स में, तो जो भी उस वीडियो कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं वो आर्टिकल को पढ़ लें कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।